पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी में गुरुवार को प्रियंका गांधी मुरादाबाद की प्रतिज्ञा रैली से हुंकार भरेंगी। रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने शहर में डेरा डाल दिया है। कांग्रेसियों का दावा है कि वाराणसी, गोरखपुर और महोबा के बाद प्रियंका गांधी की प्रदेश की सबसे बड़ी रैली होगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान रैली के माध्यम से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका था। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र रहे गोरखपुर में रैली कर सरकार पर निशाना साधा था। 27 नवंबर को बुंदेलखंड के महोबा में रैली की, अब वो पश्चिम यूपी में चुनावी शंखनाद करेंगी। इसके लिए प्रियंका गांधी ने सपा के गढ़ कहे जाने वाले मुरादाबाद को चुना है। 2 दिसंबर को सर्किट हाउस के पीछे बुद्धि विहार के मैदान पर प्रतिज्ञा रैली को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। बीते दिनों मुरादाबाद में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम था, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो दौरा रद्द करना पड़ा था, जिसके बाद 2 दिसंबर को मुरादाबाद के बुद्धि विहार मैदान में प्रतिज्ञा रैली को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित पूरी कांग्रेस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी हुई है। बुखार होने के नाते, वायरल होने के नाते वो उस दिन उस बैठक में नहीं आ पाई थी, बाकी हम सब लोग थे। लेकिन कल जो यहाँ प्रतिज्ञा रैली होनी है, ऐतिहासिक रैली होनी है, मुरादाबाद की धरती पर होनी है, जो मुरादाबाद ब्रास इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, बुनकरों के नाम से जाना जाता है, जिसकी पहचान की परिधि किसानों से जुड़ी हुई है, नौजवानों के रोजगार से जुड़ी हुई है, यहाँ आकर किसानों के लिए, बुनकरों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। और निश्चित तौर से जो उत्साह, जोश और विश्वास और भरोसा दिख रहा है, हमें उम्मीद है कि जन जन की है यही पुकार अब की बार कांग्रेस की सरकार। देखिए, वक्त की बात है, समय बदला है, और जिस तरह कांग्रेस पार्टियां सशक्त विपक्ष के रूप में जनता के बुनियादी सवालों पर संघर्ष कर रही, कार्यकर्ता लाठी खा रहा है, जेल जा रहा है, सरकार के दमन के खिलाफ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ, किसान, नौजवान, गांव, गरीब और महिला सुरक्षाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी जैसे संघर्ष कर रही है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को इस सरकार ने 4 बार जेल में डाला, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को 3 दिन से लेकर 3 महीने तक जेल में डाला इस सरकार ने, मुझे सैकड़ों बार गिरफ्तार किया, मुझे जेल में डाला, जिस तरह बदलाव की बयार है, और इस बार कांग्रेस की ही सरकार है। देखिए, वो उनका एक स्लोगन है, महासचिव महोदय ने जो 40% महिलाओं को भागीदारी दी है, टिकटों में, बसों में यातायात की मुफ्त व्यवस्था, 3 सिलेंडर फ्री, इंटर पास लड़कियों को स्कूटी, इंटर पास लड़कियों को एंड्रॉयड फोन और ग्रेजुएट करने वाली लड़कियों को जो स्कूटी देने का वादा आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किया, प्रतिज्ञा ली है, मैं समझता हूँ आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों के लिए 10,000 मानदेय देने की जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, निश्चित तौर से महिलाओं के लिए एक बड़ा उपहार है। और राजनीति में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिले, स्वावलंबी बने, आगे बढ़ें, अपने सुरक्षा के लिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ें, ये आदरणीय प्रियंका जी की सोच है, उसी परिधि में उन्होंने यह नारा दिया है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।